हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए BMTC 134 यानी कि एलजेब्रा का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, आपको इग्नू की साइड से जो बुक मिलती है उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सभी लेक्चर्स के वीडियो और PDF नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन करके उसका PDF फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके फुल कोर्स के पूरे सिलेबस के बकायदा लेक्चर्स होते हैं उसी तरीके से आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी आपके लेक्चर्स होंगे, और इन लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज़ से। और आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है दोनों का ही PDF फॉर्म आपको दिया जाएगा, और आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपको जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है जिसका अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 महीने पहले क्रैश कोर्स करवाया जाएगा जो कि फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ ही। इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स, और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है सम प्लीनरीज, और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है तो बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज केवल हमारे लेक्चर्स को हमारे कोर्स को फॉलो करना, आपको कोई भी बुक ओपन नहीं करना पड़ेगा। यह आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है, इसका नाम दे रखा है सम प्रिलिमिनरीज, और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में कवर करने पड़ने हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक को हम लोग किस तरह स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो या फिर वो आपकी थ्योरम हो या फिर आपके इस चैप्टर में सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो हम आपको सब करवाने वाले हैं। इसके साथ ही ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का सिलेबस पूरा होगा ना तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए होंगे ना वो हम आपको चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ करवाते हुए चलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ आपने चैप्टर फर्स्ट पूरा फिनिश कर लिया है और चैप्टर फर्स्ट के वो सभी क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें भी कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले नोट करके 2 पॉइंट आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, सारे टॉपिक्स और सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आपने कुछ स्किप किया तो मे बी पॉसिबिलिटी है आपको आने वाले लेक्चर्स को समझने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कोई टॉपिक या लेक्चर जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन स्किप मत करना। दूसरी बात, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे लिख कर समझोगे उतना आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी टाइम तक आपके माइंड में वो रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट इसका नाम है सम प्लीनरीज, और यूनिट फर्स्ट का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिविजिबिलिटी इन जेड, और फर्स्ट टॉपिक का ए पार्ट हमारे पास था लीस्ट एलिमेंट या फिर मिनिमम एलिमेंट। ये वाला टॉपिक हमने हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड दोनों में कवर कर लिया था पूरा, कंप्लीट टॉपिक, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, आपकी बुक के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, इसके अंदर कई सारी थ्योरम थी। सेकेंड का जो ए पार्ट में थ्योरम फर्स्ट, बी पार्ट में थ्योरम सेकेंड, सी पार्ट में थ्योरम थर्ड, और डी पार्ट में क्या था थ्योरम सेकंड जो आपकी दे रखी ना उसका डैश है, थ्योरम सेकंड का डैश एक्सटेंडेड वर्जन है। और ई पार्ट में क्या था जो आपकी थ्योरम थर्ड है ना उसका एक्सटेंडेड वर्जन है थ्योरम थ्री डैश, है ना। तो ये हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया था लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग करेंगे हमारा टॉपिक नंबर थर्ड जिसमें हम लोग करेंगे थ्योरम
फोर और थ्योरम फोर्थ की स्टेटमेंट बड़ी है, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए हमने उसका शॉर्ट नेम लिखा है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा टॉपिक नंबर फोर पढ़ेंगे डिवाइजर किसे कहते हैं। उसके अंदर तीन पार्ट हमें पढ़ने, पार्ट ए पढ़ेंगे कॉमन डिवाइजर, पार्ट बी में पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी किसे कहते हैं। और डिवाइजर के ऊपर ही, ध्यान से सुनना, डिवाइजर के ऊपर ही एक थ्योरम डिपेंड है, थ्योरम होगी थ्योरम नंबर फिफ्थ, इसकी भी स्टेटमेंट बढ़ी है, तो यहाँ पर लिखने की जगह नहीं थी, हमने नहीं लिखी है, ये लोग हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक नंबर फोर के सी पार्ट के अंदर। टॉपिक फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल किसे कहते हैं, मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और फिफ्थ के ए पार्ट में पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है, बी पार्ट में पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होगा, एल मतलब लीस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। सिक्स नंबर के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल नंबर, सिक्स के ए पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम किसे कहते हैं, बी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, और सी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम सिक्स, और जो थ्योरम सिक्स है वो इन्हीं दोनों नंबर पर डिपेंड करेगी, इसलिए हमने इसे टॉपिक नंबर सिक्स के अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे टॉपिक नंबर सेवन, जिसमें हम लोग करेंगे थ्योरम सेवन, स्टेटमेंट काफी बड़ी है, इसलिए हमने शॉर्ट में नाम लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर आपका सेवन का जो ए पार्ट है कोलरी फर्स्ट, ये भी इसी पर डिपेंड करेगी, और बी पार्ट थ्योरम एट है, जो दोनों की दोनों आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर ही बेस है। ठीक है, इसलिए हमने टॉपिक नंबर सेवन के अंदर ही लिखा है। एट में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है, नाइन्थ में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड इट्स टाइप यानी रिलेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होंगे। नाइन्थ के अंदर ए पार्ट में हम लोग करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, बी में करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, और सी में हम लोग करने वाले ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के सारे टाइप पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी होता है, उसे इक्विवेलेंस कहते हैं, ये हम लोग वहाँ पे करेंगे लेक्चर्स में। देन उसके बाद ई में हम लोग करेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। ठीक है, टेंथ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन कैसे कहते हैं, और पार्टीशन से रिलेटेड आपकी थ्योरम नंबर नाइन है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर टेन के ए पार्ट के अंदर। ठीक है, इलेवन में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे, पार्ट ए में करेंगे मैट्रिक्स के टाइप, पार्ट बी में करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, और पार्ट सी में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से लॉ हैं जो अप्लाई होते हैं, और डी में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड करेंगे थ्योरम नंबर टेन, और ई में करेंगे थ्योरम नंबर इलेवन, और ट्वेल्थ हम लोग करेंगे, ट्वेल्थ वाला एक्चुअली ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें आप जो भी सीखोगे वो आपके पूरी की पूरी जो BMTC 134 है ना, हर जगह काम आएगा, हर चैप्टर में आपका काम आने वाला है जो भी आप इसमें सीखने वाले हो। तो ट्वेल्थ के ए पार्ट में हम लोग करेंगे रिजिड बॉडी मोशन किसे कहते हैं, बी में करेंगे सिमेट्रिक, और सी में पढ़ेंगे परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर फोर, और लेक्चर नंबर फोर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है थर्ड टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम फोर, और थ्योरम फोर की स्टेटमेंट काफी बढ़िया है, तो यहाँ पर लिख नहीं सकते, हमने केवल शॉर्ट में नाम लिखा है डिविजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर फोर्थ के अंदर। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर थर्ड थ्योरम फोर्थ। अब ये थ्योरम फोर्थ या फिर डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करने से पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, फिर आपको इसकी जो थ्योरम है ना उसको प्रूव करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, देखो समझे यहाँ पे एक बार, एक मिनट नोट करके, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल देंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ना दो नंबर है, एक आपके पास है सेवन, एक आपके पास है थ्री। अब जब सेवन में थ्री का डिवाइड करते हैं तब क्या होता है वो देखिए, एक्चुअली हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं, आई थिंक आपके लिए आपको ये समझाना हमारे लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो आप डिवाइड कुछ इस तरीके से ही तो करते थे, क्या करते थे आप लोग, थ्री को यहाँ लिखते थे, सेवन को यहाँ पे करते थे, कुछ ऐसे जो करते थे, क्या था थ्री टू जा सिक्स और डिवाइड करते थे, है ना, यहाँ पे आपका सिक्स आएगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर में वन आता है, और इसको आप लोगों ने नोटिस करो, आपने कुछ इस तरीके से भी लिखा होगा, ऐसे लिखते थे आप, याद करो आपने इसे कई बार ऐसे लिखा होगा टू वन अपॉन में थ्री, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री है ना, और प्लस में हमारे पास क्या आता था, हमारे पास वन, अरे इसका मतलब यही तो हो गया हमारे पास,
है ना, अब और नीचे कर दो हमारे पास ये 3। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा हम ये बोलना चाहते हैं, मतलब अगर आपके पास कोई एक नंबर दे रखा है, समझो अगेन, अगर आपके पास कोई एक नंबर 7 दे रखा है, कोई सा भी नंबर दे रखा है, तो उस नंबर को हम लोग कुछ इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, है ना। और ये नंबर आपको किसके जैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखो ये हो गया ए इक्वल टू में क्यू, और ये हो गया हमारे पास बी, और ये हो गया प्लस हमारे पास आर। और जब भी आप ऐसे जो करते हो, क्या करते हो, ये तो हो गया हमारे पास ए, है ना, ये हो गया क्यू, क्यू कौन सा जो यहाँ पे नंबर आता है ना उसे बोलते हैं क्यू बोलते हैं। और ये 3 क्या है, बी, बी क्या है जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं, याद करो। और 1 क्या है, 1 हमारे पास का रिमाइंडर है जो नीचे आता है ना। कहने का मतलब है हम किसी भी एक नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ए इक्वल टू में क्यू बी प्लस में आर। अगर हम एग्जाम्पल सेकेंड की बात करें, मान लो अगर आपके पास ये दे रखा है 11 दे रखा है, अब कोई सा भी नंबर लो, तो 11 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 11 को आप लोग ऐसे कर सकते हो 2 × 5 प्लस में 1। तो इस केस में भी हमारे पास क्या बन गया, देखो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी ए इक्वल टू में क्यू बी और प्लस में आर। यहाँ पे अगर आप मैच करो तो 11 क्या हमारे पास ए, बी क्या हमारे पास 5, जिससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यू कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। करके देख लोगे, ये बहुत सिंपल सा था, ठीक है। एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं, आई थिंक आपको ये थोड़ा सा यहाँ से समझ में आ जाएगा। एक मिनट, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे, हमारे पास क्या है 5 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 11 से, ठीक है, 2 ना हो जाएगा 10, हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी, इसे हम लोग किससे शो करेंगे, बी से, इसे हम लोग शो करेंगे इसे क्यू से, है ना, और इसे हम लोग शो करेंगे आर से। और फाइनल इसकी जो स्टेटमेंट है वो हम आपको समझा देते हैं, इसके हम इसे एक सेकेंड इसे थोड़ा रफ कर देते हैं सेकेंड वाले को, क्योंकि हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, ठीक है, बस एक मिनट रुकना, फिर हम इसे प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो मतलब यह है कि जब भी हम ध्यान सुनो ना, जब भी हम ए में बी का डिवाइड करेंगे, अरे हमने यहाँ पे ए तो किया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 7 में 3 का डिवाइड किया, इसमें हमने क्या किया 11 में हमने किसका डिवाइड किया 5 का डिवाइड किया, है ना। तो जब भी हम ए में बी का डिवाइड करेंगे, एक मिनट एक मिनट, इसको ऐसे लिखो, वेट वेट जस्ट 1 मिनट, है ना। अगर हमारे पास ए और बी दो इंटीजर हैं, और बी कैसा हमारे पास पॉजिटिव है ना, एंड एंड अगर हम ए में बी का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यू और आर, ऐसे में हमें ऐसे क्यू और आर मिलेंगे जो इंटीजर होंगे, है ना, और जो आर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 से, और लेस देन होगा हमारे पास वो 20। अभी हम आपको ये करके दिखाएंगे पूरा थ्योरम, प्रूव 1 बाय 1, परेशान मत होना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये तो क्या, इस वाले केस में हमने क्या किया, इस वाले केस में हमने 7 में 3 का डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला, हमें क्यू क्या मिला, 2 मिला, है ना, और आर हमें क्या मिला, 1 मिला, है ना, क्यू और आर मिल गया। और क्यू आर देखोगे जो 2 और 1 दोनों के दोनों कैसे इंटीजर हैं, और जो आर है, आर क्या होना चाहिए, आर या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा या बी होगा या बी, या बी से लेस देन होगा। आर हमारे पास क्या है, 1 ही तो है, और 1 क्या है देखो, लेस देन और ग्रेटर देन यानी 0 से ग्रेटर है। और बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास यहाँ पे 3 था, देखो यानी आर की जो वैल्यू है वो बी से छोटी होगी, और जी और या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। अब हम इसे प्रूव करते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, ठीक है। थ्योरम 4th क्या है, शॉर्ट में इसे बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या लिखा है, बहुत आराम से समझना, लेट अभी हम लिख कर भी दिखाएंगे, इसमें लाइन लाइन वाइज समझा भी रहे हैं और लिख कर भी समझाएंगे आपको, ठीक है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, अगर ए और बी क्या है दो इंटीजर हैं, और बी की कंडीशन दे रखी है बी क्या है ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। यानी आपको दो बातें प्रूफ करनी पड़ेगी, पहला आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यू और आर एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यू और आर क्या होंगे, यूनिक होंगे। दो चीज प्रूफ करनी है, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस, है ना। और वो कैसे होंगे, सच दैट ए इक्वल टू में क्यू बी प्लस में आर, वेयर आर क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन आपका बी, ठीक है। परेशान मत होना, बस समझा देते हैं, एक मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा,
ठीक है। एक बात और, इसे लिखकर जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर देखो यहाँ रफ वाले पार्ट में जो भी हम लिखे हैं ना, उसे सिर्फ समझने के लिए यूज करना, ठीक है, उसे फेयर में मत लिखना। तुम्हारे पास क्या क्या दे रखा है, पहला हमारे पास ये देख कंडीशन देखो क्या क्या दे रखी है। हमारे पास दे रखा है कि ए और बी बिलोंग्स टू जेड, है ना, और बी के हमारे पास ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे हम समझना, यहाँ पे आप जानते हो जेड हमारे पास क्या होता है, जेड हमारे पास सही तो होता है, जेड हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, प्लस का वन प्लस का टू ये होंगे, है ना, या फिर -1 -2 ऐसे होंगे। तो इस केस में इन्होंने बोल रखा है हम जो भी बी की जो वैल्यू यूज करेंगे वो हमेशा कैसा यूज करेंगे, पॉजिटिव, यानी इन्होंने बी के लिए कंडीशन लगा दी पहले से, ठीक है। और ए हमारे पास क्या हो सकता है, ए हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, ए जीरो भी हो सकता है, और ये हमारा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीन केस बनेंगे ए के लिए। तो ए के लिए हमारे पास क्या बनेगा, ए या तो जीरो होगा, ठीक है, ए या तो जीरो होगा, ए या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो ए हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तीन ही तो केस बनेंगे, या तो ए आपका जीरो होगा, या तो ए आपका पॉजिटिव होगा, या तो आपका ए नेगेटिव होगा, इतना, ठीक है। और हमें इन्हीं तीन केस के लिए इस थ्योरम को प्रूव करना है। और साथ में उन्होंने क्या दे रखा है, साथ में देखा है जब हम ए में बी का डिवाइड करते हैं, जब हम ए में बी का डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तब इस केस में हमारे पास जो ए होगा उस ए को हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख पाएंगे, क्यू बी प्लस में आर। अभी हम आपको कर करके दिखा देंगे, ठीक है। और ये जो आर की जो वैल्यू होगी, जो आर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा जीरो से, और लेस देन होगा हमारे पास बी से, है ना। और आपको शो करना, आपको ये शो करना है कि क्यू और आर जो होंगे एग्जिस्ट करते हैं, यानी ऐसे क्यू और आर आपके पास एग्जिस्ट करेंगे, और वो कैसे होंगे, यूनिक भी होंगे। ये हमें एक्चुअली प्रूफ करना है, ठीक है, करें, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट, एक सेकंड बच्चों से व्हाइट कलर से कर देते हैं, फर्स्ट वी विल प्रूव क्यू एंड आर, एक सेकेंड बच्चों, गिवन से करेंगे ना, जो गिवन दे रखा है ना, गिवन गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, है ना, और बी की कंडीशन देखिए, बी ग्रेटर देन जीरो, देन देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, और वो यूनिक इंटीजर कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ए इक्वल टू में क्यू बी प्लस में आर, और आर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी, और लेस देन क्या होगी, वो बी होगी, ठीक है। ठीक, नाउ नाउ फर्स्ट वी प्रूव नाउ फर्स्ट वी प्रूव दैट इज क्यू एंड आर एग्जिस्ट, क्यू एंड आर एग्जिस्ट, देन वी विल शो, एक मिनट बच्चों, देन वी विल शो दे आर यूनिक, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस शो करेंगे, फिर उसमें यूनिकनेस शो करेंगे, ठीक है। हमारे पास तीन केस है ना, हेयर, एक सेकेंड, आप लिख लेते हैं फोर, एक मिनट बच्चों, सबसे पहले एग्जिस्टेंस प्रूव करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं ना फोर
एग्जिस्टेंस ठीक। सबसे पहले ये हम प्रूफ करने वाले हैं, वी हैव थ्री केस है ना, वी हैव थ्री केस। कौन कौन से? पहला होगा हमारे पास ए इक्वल टू जीरो, दूसरा होगा हमारे पास बी, एक सेकेंड, ए इक्वल टू जीरो और दूसरा होगा हमारे पास ए ग्रेटर देन जीरो और तीसरा होगा हमारे पास ए लेस देन जीरो। अब आपके मन में आप क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ए के लिए क्यों लिया, बी के लिए क्यों नहीं लिया? जरा पीछे रिमाइंड करो, क्या दे रखा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड और बी के लिए उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है बी आपका हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही यूज करना है। तो हमारे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी बची इसके लिए, इंटीजर के लिए। तो इंटीजर में एक ही पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो ए आपका जीरो होगा, या तो ए आपका कैसा होगा पॉजिटिव होगा, या तो ए आपका कैसा होगा नेगेटिव होगा। इसलिए हमने केवल ए का चूज किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं केस फर्स्ट। फर्स्ट वाले केस में क्या है, इफ ए इक्वल टू जीरो, अगर आपका ए जीरो है तो क्या क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप खुद नोटिस करो बच्चों, अगर आपने ए की वैल्यू जीरो एज्यूम की तो आप खुद चेक करो क्या हम ए को इस तरीके से नहीं ले सकते। अगर आपने ए क्या क्या जीरो एज्यूम किया, तो जीरो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जीरो इंटू में बी और प्लस में जीरो लिख सकते हैं ना। इसे अगर आप कंपेयर करो है ना, अगर आप कंपेयर करो तो क्या ये ए इक्वल टू में जीरो इंटू में बी प्लस में आर के जैसा नहीं है? यहाँ पे ए क्या हमारे पास दे रखा, देखो हमने ए को क्या माना था, जीरो माना था है ना। एक सेकेंड जस्ट वन होल्ड ऑन, ये हमारे पास यहाँ पे क्यू है ना, हमने क्या माना था ए जीरो माना। तो इस केस में हमारे पास ये क्यू कितना आ गया जीरो और आर भी कितना आ गया जीरो, यानी कि हम जीरो को जीरो इंटू बी प्लस में जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर वी हैव क्यू इक्वल टू जीरो एंड आर इक्वल टू जीरो व्हेन, एक इसे बच्चों इसको इसी के नीचे लिखना ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये नीचे लिखना ठीक है, व्हेन ए इक्वल टू जीरो ठीक है। यानी पहले वाले केस में हमें क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू मिल गई और हमें एक्चुअली हर केस में क्यू और आर को ही सर्च करना है, ढूंढना है ठीक है। हम केस टू करते हैं, केस टू हमारे पास क्या है, अब देखो बच्चों हम फिर से बोलेंगे इसे लिखकर प्रैक्टिस करना, केस टू है थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है, लेकिन अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे और आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आप इजिली कर पाओगे ठीक है। तो केस टू में हमारे पास क्या था, इफ समझ आराम से हो जाएगा, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, और इसको हम लोग किससे किससे प्रूफ करेंगे, आपने जो थ्योरम टू की है ना याद करो, थ्योरम टू का डैश उसका हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं ठीक है। ठीक तो हम लोग करते हैं, एक सेकंड बच्चों उसका कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ना वो भी हम आपको बताएंगे, परेशान बहुत हो रहा, हम फिर से बोल रहे हैं सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेक्चर पूरा देखना ठीक है। लेट पी ऑफ एन है ना, पी ऑफ एन क्या हो गया, एन इक्वल टू में क्यू बी, ऐसा क्यों लिखा बताएंगे ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड फॉर सम क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू जेड और आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास ये ठीक है। अब देखो इसमें ना हमने क्या कहा आपसे, हम करेंगे थ्योरम नंबर टू डैश का यूज, और टू डैश क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को पी ऑफ एन करके शो करते हैं ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ये चैप्टर पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, इससे प्रीवियस लेक्चर देखना आपको कन्फर्म समझ में आएगा ठीक है। हमने यहाँ पे एन क्यों लिखा है वो भी हम आपको अभी जस्ट बता देते हैं, देखो समझो जरा इस बात को, यहाँ पे करना पड़ेगा हमें अलग से। हमारे पास क्या था, जेड था, और जेड हमारे पास क्या थे, बीच में जीरो था, प्लस का वन प्लस का टू ऐसे नंबर थे है ना, इधर माइनस का वन माइनस का टू कुछ ऐसे नंबर थे। अभी हमारे पास ए क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो है, हमने इसको माना
ग्रेटर देन जीरो, और आप मुझे बताओ क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है? 1 2 3 याद करो। अरे बच्चों ये नेचुरल नंबर भी तो है, और नेचुरल नंबर को हम लोग हम किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं, है ना? तो आपको एक्चुअली आपको तो ये प्रूफ करना था कि ए इक्वल टू में क्यू बी प्लस में आर, आपको ये प्रूफ करना है ए के लिए। तो अगर ए के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एन, एन इक्वल टू में क्यू बी प्लस में आर, तब भी क्या फर्क पड़ेगा? अरे अगर हमने इंटीजर वर्ड यूज़ किया तो हमने ए सिंबल यूज़ किया है, ए लिखा है, और ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, और नेचुरल नंबर के लिए हम लोग स्मॉल एन शो कर सकते हैं। तो ए की जगह हमने क्या कर दिया, एन कर दिया। अभी ये आपकी एक स्टेटमेंट बन गई, और इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे पी ऑफ एन करके लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सीखा है, ठीक है? अभी इतना क्लियर है हमने ऐसा क्यों लिखा है? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आप लोग क्या करते हो, आप इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करते हो, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी हर एक नेचुरल नंबर के लिए आप इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करते हो, ठीक है? तो अगर ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया, तो इसका मतलब हर ये हर एक ए ग्रेटर देन जीरो के लिए भी प्रूव हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंड एंड वी वॉन्ट टू शो वी वॉन्ट टू शो दैट वी वॉन्ट टू शो दैट पी ऑफ एन इज ट्रू। अरे अगर एन के लिए ट्रू होगा तो यहाँ पे हम ए का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बता दिया अभी ए और एन इक्वल है ना, है ना, इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है? ठीक है, और इसको थोड़ा सा रफ करके यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पे एक मिनट रुकना बस बच्चों, यहाँ पे आप जानते हो अगर n बिलोंग्स टू n के लिए मैं प्रूफ करना है, और ये n एक्चुअली होता क्या, n एक्चुअली ये होता है 1 2 3 4 ऐसे होता है, तो हम वन बाय वन करके प्रूफ करेंगे। पहले 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर बाकी सभी के लिए एक साथ प्रूफ करेंगे, यानी n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर बाकी सबको n इक्वल टू k मान के प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो हम लोग इसमें करते हैं स्टेप फर्स्ट, दो स्टेप में सॉल्व होगा ये, है ना, केस टू दो स्टेप में सॉल्व होगा। सबसे पहले इफ इफ एन इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, हमने एन और बी क्यों माना? अरे बच्चों एन का मतलब तो ए ही था, और बी हमने क्या माना, 1। बी की वैल्यू क्या है, देखो स्टार्टिंग में कोई बी की वैल्यू थी ये तो दे रखी है यहाँ, बी क्या होगा, बी 0 से ग्रेटर होगा, तो 0 से ग्रेटर क्या होता है, 1 2 3 4 5, यही तो होता है 0 से ग्रेटर। तो हम क्या मानेंगे, पहले बी को 1 मान के चेक करेंगे, फिर बाकी सबके लिए एक साथ चेक करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने चेक किया क्या, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1, इसको जब पुट करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ये क्या हमारे पास था, हमारे पास पी ऑफ एन क्या था, पी ऑफ एन इक्वल टू में ये था हमारे पास, एक मिनट, ये था ना एन इक्वल टू में क्यू बी प्लस में आर, हमने क्या पुट किया, एन इक्वल टू 1 पुट किया ना, तो पी ऑफ 1 पुट कर दो, यहाँ भी 1 पुट करो, 1 इक्वल टू में, है ना, तब हमारे पास क्यू का आंसर क्या है, अगर हमने बी की वैल्यू भी 1 पुट कर दी तो हमारे पास क्यू क्या होना चाहिए, नहीं आया समझ में? देखो अरे बच्चों सिंपल सा मतलब ये तो दे रखा है, हमारे पास एन और बी दे रखा है, हमारे पास अगर एन का आंसर हमारे पास 1 है और बी का आंसर हमारे पास 1 है, और दोनों साइड हमारे पास कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तो इक्वल तभी आएगा जब 1 के साथ ये जो क्यू दे रखा है ये भी 1 होगा, और ये जो आर दे रखा है ये आर कैसा होगा, हमारे पास 0 होगा। तो इस केस में हमारे हमें क्या मिल गया, हेयर हेयर वी हैव, और यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया, हमने क्या फाइंड कर लिया, हेयर वी हैव, हमने फाइंड किया क्यू इक्वल टू 1 एग्जिस्ट करता है और आर इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करता है, हमें ये तो पता करना था हर केस में, तो हमने इसमें फाइंड कर लिया, क्यू की वैल्यू भी फाइंड कर ली और आर की वैल्यू भी फाइंड कर ली। और सेकेंड हमारे पास केस क्या था इसी में, अभी हमारे पास इफ इफ एन इक्वल टू 1 है ना और बी ग्रेटर देन 1, अरे बी की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 0 थी, और 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 सारे नंबर होते हैं, है ना, तो हमने 1 के लिए तो चेक कर लिया, जब बी की वैल्यू 1 1 होगी तब तो ट्रू है,
जब बी की वैल्यू वो 1 से बड़ी होगी 2 3 4 5 तब भी ये ट्रू होगा कि नहीं होगा वो हमें चेक करना है। देखो वो भी बहुत इजी है, देखो यहाँ पे पी ऑफ एन बी कितना हो गया, एन इक्वल टू में क्यू बी प्लस में आर। ठीक है, एन तो हमारे पास 1 ही रहेगा, यहाँ पे हमने 1 पुट किया, यहाँ पे हमने क्या किया 1 पुट किया। अब कॉमन सी बात है, देखो अगर आपका ये बी जो है, अगर आपका ये जो बी है पॉजिटिव मतलब 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर क्या है, या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड और हमारी ये राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आए, है ना। तो इस केस में ये क्या होगा, 0 होगा और ये हमारे पास 1 होगा। खुद समझो ना, अगर बी मानो हमारे पास 2 है, देखो समझो 1 प्लस में, एक सेकेंड बस 1 मिनट, यहाँ पे साइड में देखो, अगर मान लो हमारे पास 1 है ना, और बी हमारे पास मान लो 2 है, हमें इक्वल लाना है, तो ऑब्वियस बात है, तो 2 के साथ कितना होने, 0 होना चाहिए इंटू में, और यहाँ पे 1 होना चाहिए, तभी तो देखो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अरे 0 इंटू 2 कितना हो गया, 0 प्लस 1, आपका 1 इक्वल टू 1 ही आ गया। अगर मान लो आपके बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे ये क्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो 0 के फिनिश होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, तभी तो हमारे पास ये 1 इक्वल टू में 1 आएगा। आगे समझ में, तो अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास क्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और आर क्या मिलेगा, हमारे पास 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर, यहाँ पर भी हमने फाइंड कर लिया, हमें यही सब तो फाइंड करना पड़ेगा, हेयर वी हैव क्यू इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू में 1, है ना, देयर फोर आर इक्वल टू में 1, देयर फोर फोर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, पी ऑफ एन इज ट्रू। 1 के लिए ट्रू ट्रू हो गया। अब इसी में स्टेप सेकंड, 2 स्टेप में इसे पूरा करेंगे हम लोग। स्टेप सेकंड क्या हमारे पास था, नाउ बट 1 मिनट, उसका कलर चेंज करेंगे, येलो में लिखते हैं इसे। नाउ वी चेक, नाउ वी चेक पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू एन, है ना। और इसमें करते हैं हम लेट, या हम ऐसा लेट क्यों कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे, परेशान उसके लिए मत होना, ठीक है ना। लेट पी ऑफ के माइनस 1 इज ट्रू, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और के क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, किस तरीके से, सच दैट। हमने ऐसा क्यों लिया, अगर हम के की वैल्यू बिलोंग्स टू एन ले रहे हैं, अगर हम के की वैल्यू बिलोंग्स टू एन ले रहे हैं, एन मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, और साथ में बोल रखा है के जो होगा या तो 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा, है ना। तो यहाँ पे पुट करो, अगर हमने के की, ये तो हमारे पास के माइनस 1, ठीक है, अगर हमने के क्या यूज कर लिया, अगर हमने के इक्वल टू में 2 यूज कर लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी यानी 2 माइनस 1, हमारे पास P1 मिल जाएगा जो हम प्रूव कर चुके हैं। अगर हमने के की वैल्यू 3 पुट कर ली, तो हमारे पास क्या होगा, 3 माइनस 1, तो हमारे पास क्या होगा, P2, जो हमें आगे प्रूव करना है। हमने के इक्वल टू 3 पुट किया था, क्या हो गया, पी इक्वल टू सॉरी 4, तो ये क्या 4 माइनस में 1, तो हमारे पास क्या होगा, P3। इसी तरीके से हमें P1 तो हम प्रूव कर चुके हैं, P2 P3 P, इस तरह करके हमें P K के लिए प्रूफ करना है ना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो गया, K-1 इक्वल टू में Q1B प्लस में R1। हमने ऐसा क्यों लिखा, अरे बच्चों अभी हमारे पास क्या था, ये था ना N इक्वल टू में QB प्लस में R। अब हमने K के जगह, N की जगह पे क्या यूज किया, K-1 यूज किया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, KB प्लस में, और हम यहाँ पे Q1 और R1 लिख देंगे, क्योंकि Q और B तो N के फॉर्म के लिए थे अभी। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर सम Q1 R1 बिलोंग्स टू Z, और हमारे पास ये जो R दे रखा है, R1 क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और लेस देन क्या होगा हमारे पास, वो B होगा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सही से लिखो, तो ये जो माइनस का 1 है वो इस साइड आ जाएगा, तभी कितना हो जाएगा, K इक्वल टू में ये हो गया हमारे पास
प्लस में आर वन प्लस का वन, इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, वहां लिख लो वेयर, ठीक है, वेयर आर वन प्लस में वन और लेस देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे पहले केवल आर वन था, तो ये रहा हमारे पास आर वन जो है लेस देन बी था। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके जगह पर आर वन प्लस वन हो गया, तो आर वन प्लस वन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू बी होगा। इक्वल टू साइन लगाया, ये भी हम आपको अभी समझा देंगे, ठीक है। अभी लगे देयर फोर, इतना ये स्टेप तो क्लियर है ना, के वन क्यों आया हमने एन के जगह पे यूज कर लिया, और ये आपका माइनस वन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। इसको रफ कर देंगे, ये गंदा ना होता, कि तो ये कितना हो गया आपका, ये देयर फोर। यहाँ पे देखो, अब हमारे पास ये क्या होगा, देखो समझो, तो हमारे पास के की दो वैल्यू मिलेगी। पहले वाले केस में क्या होगा, इफ आर वन प्लस में वन लेस देन बी, अगर ये अगर आर वन प्लस वन बी से लेस देन है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, क्यू वन प्लस में बी, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एक सेकेंड बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास ये क्यू वन बी प्लस में आर वन प्लस में वन। अरे बच्चों ये तो ट्रू है ना, ये तो दे रखा है, ये तो सिंपल सा सेंस था हमारे पास। सेंस क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास, अगर आर की वैल्यू जीरो से छोटी है तो हम इक्वेशन को क्यू बी प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर क्या था, यहाँ पे आर देखा था आर प्लस वन लेस देन बी, तो हमने क्या कर दिया, क्यू बी प्लस में आर प्लस वन, क्या फर्क पड़ा, ये और ये तो हमारा सेम लिखा हुआ है, सिंपल सा था। अरे यहाँ पे क्या था, आर प्लस वन, आर प्लस वन सिंपल सी स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग में दे रखी थी। अगर सेकेंड वाले केस में देखो, अगर आपके पास क्या हो गया, इन केस अगर आपके पास आर वन प्लस में वन इक्वल टू बी हो जाएगा, तब आपका क्या आने वाला वो देख लो जरा। इसको हम लोग रफ कर देते हैं, जरा मेरी जगह चाहिए होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर हम आपको इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्या रखा है, बोल रखा है, अगर आपके पास आर वन प्लस वन में बी दे रखा है, तब आप के को क्या लिखोगे, के हमारे पास क्या था, पहले से क्यू वन बी प्लस में आर वन प्लस में वन दे रखा था, तो अगर इसको हम लोग बी मानेंगे तभी क्या हो जाएगा, क्यू वन बी प्लस में बी, ये कितना हो गया, क्यू वन प्लस में वन और आपका बी प्लस में, यहाँ पे अब कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, जीरो हो गया ना, ये हो गया। देखो ये क्यू हो गया, क्यू इंटू में बी और प्लस में ये आपका रिमाइंडर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, यानी क्यू वन प्लस में वन इंटू में बी प्लस में रिमाइंडर। अरे ये वाला था हमारे पास केस पहले, और हमने इस आर प्लस वन के जगह पे क्या एज्यूम किया, हमने बी माना, कि बोल रखा है अगर हम आर प्लस वन को बी मानेंगे तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा, जैसे बी माना कॉमन लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हैं। इस केस में हमारे पास क्यू क्या मिला, समझो इस दोनों ही केस में, यानी इन दोनों केस में हमारे पास क्यू और आर क्या मिला, इस वाले केस में क्यू हमारे पास क्या मिला, क्यू वन, रिमाइंडर क्या मिला, आर आर वन प्लस वन, और इस वाले केस में क्यू कितना मिला हमारा, क्यू वन प्लस वन, रिमाइंडर कितना मिला हमारे पास, जीरो, दोनों में अवेलेबल है ना। बस एक इसको रफ कर देते, ये समझाने के लिए था, और हमें एक्चुअली ये तो फाइंड करना होता है, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, हर किसी के लिए प्रूफ हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं इस केस में दे शोज दैट पी ऑफ के, देखो यहाँ पे के दे रखा है, के है ना, बाकी सबके लिए नहीं, यानी के कुछ भी हो, अब के आपका कुछ भी हो, के बिलोंग्स टू एन, के आपका कुछ भी हो, उसके लिए आपके पास क्यू वन और सॉरी क्यू और रिमाइंडर दोनों मिलेगा, क्यू भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ले देंगे पी ऑफ के इज ट्रू, के बिलोंग्स टू एन, हेंस बाय थ्योरम टू डैश पी ऑफ एन इज ट्रू फोर एनी एन बिलोंग्स टू एन, है ना, सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ हो गया। देयरफोर फोर, अब यहां पे जो देयरफोर फोर ए ग्रेटर देन जीरो है ना,
इक्वल टू में क्यू बी प्लस में आर फोर सम क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू जेड, और हमारे पास आर कैसा होगा, आर होगा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन हमारे पास बी। केस टू हमारे पास क्या हो गया, हमारा फिनिश हो गया केस। अब करते हैं हम लोग केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड केस टू के बिल्कुल एक जैसा ही है, सेम टू सेम है, ठीक है। हमारे पास केस थर्ड क्या है, अब थर्ड केस में हमारे पास क्या था, इफ ए लेस देन जीरो, अगर ए कैसा है नेगेटिव है, क्या आप इसको ऐसे करके नहीं ले सकते, अगर आपका ए लेस देन जीरो है, अगर हम ए में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ए ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव में अगर हम नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर देन जीरो नहीं बन जाएगा, ये तो क्लियर है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर फोर, देयरफोर बाय केस टू जो हमने केस टू में सीखा, इसे लिख कर प्रैक्टिस करना, ठीक है। वी कैन राइट, कैन राइट माइनस ए इक्वल टू में क्यू डैश बी प्लस में आर डैश, ऐसा क्यों लिखा बताएंगे सब, ठीक है ना, परेशान मत होना, बस आपको लिखकर प्रैक्टिस करने की। फोर सम क्यू डैश आर डैश बिलोंग्स टू जेड, और हमारे पास जीरो लेस देन आर डैश और आपका लेस देन बी, ठीक है। इस केस में हमारे पास जो ए आएगा ना, हम पहले डायरेक्ट लिख देते हैं ना, फिर आपको उसे समझाएंगे अभी, ठीक है। दो हमारे पास आएंगे, पहला हमारे पास क्या आएगा, इफ आर वन इक्वल टू जीरो, अरे बच्चों आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू ये तो दे रखी है, देखो यहाँ पे जीरो लेस देन आर डैश और लेस देन बी, अगर हम इसको ब्रेक करें तो दो बनेगा, पहला बनेगा क्या हमारे पास, ये आर किस होगा, जीरो के इक्वल होगा, है ना। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, ये जीरो लेस देन आर डैश और आपका लेस देन बी, ये तो बनेगा। तो हमने पहले ये वाला केस लेंगे फिर ये वाला केस लेंगे दोनों के लिए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, जीरो लेस देन और आपका आर डैश और आपका लेस देन बी, ठीक है। इसको हम लोग रफ कर देते हैं, आपको ये डिवाइड करना समझ में आ गया, और दोनों केस में देखो क्या आपका आंसर आने वाला है, और यहाँ पर हम आपको करके दिखा देंगे ऐसा क्यों आया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या है, हमारे पास माइनस में क्यू डैश बी प्लस में हमारे पास जीरो होगा, और दूसरे वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस में क्यू डैश माइनस का वन ब्रैकेट में आपका बी और प्लस में होगा हमारे पास बी माइनस आर डैश, ऐसा क्यों आया वो भी हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। देखो साइड में करते हैं, ठीक है। हमारे पास माइनस का ए करके हमारे पास क्या दे रखा था, ए देखा हमारे पास क्यू डैश बी प्लस में आर डैश दे रखा था, है ना। जब माइनस का साइन इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू में क्या हमारे पास होगा, माइनस में क्यू डैश बी और माइनस का आर डैश, और आर की वैल्यू क्या है पहले वाले केस में, पहले वाले केस में आर डैश कितना है, जीरो। तो अगर हम आर डैश की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, कितना आएगा, माइनस क्यू प्लस में जीरो और प्लस में जीरो आ गया। तो यही हमने लिखा है, अगर हमारे पास आर डैश जीरो है तो पहले वाले केस में ए हमारे पास क्या होगा, माइनस में क्यू डैश बी प्लस में जीरो। इस केस में हमारे पास क्यू भी मिल गया और हमारे पास आर जीरो भी मिल गया, रिमाइंडर हमें क्यू और आर ही तो सर्च करना होता है, ठीक है इतना, ठीक। अब दूसरा वाला केस देखो, दूसरा वाला हमारे पास क्या था, बस एक मिनट रुकना, और आप इसमें जानते हो कि आर जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमने बताया था, याद करो आर की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो आर जो होगा वो या तो जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा या बी से लेस देन होगा, यानी आर नेगेटिव नहीं हो सकता। जबकि इस वाले केस में आपको आर कैसा दिख रहा है, आर आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, देखो समझो, माइनस क्यू डैश प्लस में बी, हमने क्या किया इसमें, हम क्या करेंगे इसमें माइनस बी कर देंगे और प्लस बी कर देंगे माइनस का आर डैश, मतलब हमने माइनस मतलब बी को माइनस कर दिया, बी को प्लस कर दिया, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, माइनस में क्यू डैश माइनस का वन और बी हमने बाहर कॉमन ले लिया और प्लस में बी माइनस में आर डैश, क्योंकि आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस नेगेटिव को हटाने के लिए हमने बी को ऐड किया बी को माइनस किया और इन दोनों में से हमने क्या बी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये बच गया क्यू माइनस क्यू डैश माइनस वन और बी, तो ये तो हो गया हमारे पास क्यू की वैल्यू जो हमें एक्चुअली चाहिए होती है,
और ये होगी हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू जो हमें चाहिए होती है। अभी समझ में आ गया कि हमने कैसे लिखा? ठीक है, अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है? परेशान मत होना, पहले आपको दो तीन बार बोलोगे समझ में आ जाएगा, लिखना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। 10 a = QB + में R फोर सम 2, R belongs to Z, where where R क्या है? लेस देन और ग्रेटर देन 0, और लेस देन हमारे पास B, देखा ना? यहाँ पे लिख देंगे therefore for all A belongs to Z, there exist, हमें पहले एग्जिस्टेंस दिखाना था, तीन हो गया, there exist Q, R belongs to Z such that a = में QB + में R, ठीक है? ये हमने प्रूव कर दिया, यानी हमने क्या प्रूव, हमने एग्जिस्टेंस प्रूव कर दिया। किस केस का? कि Q और R एग्जिस्ट करते हैं हर केस के लिए, ठीक है? ठीक है, हमें दो चीज प्रूव करनी थी ना। पहला में क्या प्रूव करना था? एग्जिस्ट, है ना, कि वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी Q और R एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरा हमें प्रूफ करना है क्या? यूनिक, कि जो क्यू और आर होंगे वो कैसे होंगे? यूनिक होंगे, ठीक है? अब हम ये वाला पार्ट प्रूफ करते हैं, ये बहुत ईजी है। तो ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे? यूनिकनेस, ठीक है, यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर, इन दोनों की यूनिकनेस करते हैं, ठीक है? नाउ नाउ वी प्रूव द यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है? तो अब समझो, हम करते हैं बहुत आसान। लेट वी हैव a, b बिलोंग्स टू जेड, और बी क्या है? ग्रेटर देन 0, एंड वी हैव क्यू कॉमा आर एंड Q'R' सच दैट, यानी कि हमारे पास दो नंबर है ए और बी। जब हम ए में बी का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्यू और आर भी मिलता है, और Q'R भी मिलता है, ठीक है? तो हम इसको कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते, समझो, इसको लिख सकते हैं a = में QB + में R, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? तो हमारे पास कितना होगा? 0 < R और < B, है ना? और दूसरा हमारे पास क्या मिला? a = में Q'B + में आपका R', इक्वेशन सेकेंड, ठीक है? 0 > और आपका यहाँ पे कितना हो गया? R' और आपका < B। कर सकते हैं ना दोनों केस के लिए, एक बार हो गया आपका Q और R, एक बार हो गया Q' और R'। अब यहाँ पे आप लोग एक बार नोटिस करो, दोनों ही इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिखोगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप नोटिस करो, इसका भी लेफ्ट हैंड ए है, इसका भी लेफ्ट हैंड ए है, यानी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, QB + में R = में कितना हो गया? Q'B + में R', है ना? इस R को लेफ्ट, इस वाले R को इसके लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, तो ये कितना हो गया? R- में R', और ये कितना हो गया हमारे पास? ये Q'B- में और आपका QB। अभी कितना हो गया? R- में R', इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? Q'- में Q, और कॉमन ले लो आपको B, और इस B को हम लोग नीचे करके लिख सकते हैं इस साइड, ऐसे करके R- में R' अपॉन में कितना हो गया? B = में Q- में Q', Q- में Q' था ना, एक पहले डैश था, Q' - में Q, इसे हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है? इक्वेशन नंबर थर्ड, अब समझो इस बात को। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझो, अगर R- R' ऊपर है और B नीचे है, तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब 10 B डिवाइड करेगा किसको? R- R' को, इतना ठीक है? बट बट
आर माइनस आर डैश का जो है उसका मॉड जो आएगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या होगा, लेस देन बी होगा। ऐसे क्यों होगा देखो, जरा जरा बैक चलते हैं, बैक पे जरा नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है आर की वैल्यू बी से लेस देन है, आर डैश की वैल्यू बी से लेस देन है। तो अगर हम इस आर को आर डैश में से माइनस करेंगे, यानी आर को आर डैश में माइनस करेंगे, उसका मॉड निकालेंगे, तो तब भी तो वो बी से छोटा ही आएगा। अरे आर पहले से बी से छोटा था, आर डैश पहले से बी से छोटा था, दोनों को माइनस किया तब भी तो वो बी से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, और समझो अगर आर माइनस आर डैश बी से छोटा है तो ये क्या पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है ना। अरे इसका केस यही तो बनेगा, या तो वो ये जो आर माइनस आर डैश होगा यही होगा, या तो वो बी से छोटा होगा या तो वो जीरो के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल वेन आर माइनस आर डैश इक्वल टू जीरो, मतलब ऊपर वाला नंबर ये जीरो क्यों होगा, ये भी हम आपको आंसर दे देते हैं। देखो समझो, अगर मान लो ऊपर वाला नंबर कैसे हमारे पास लेस देन है और नीचे वाला नंबर क्या हमारे पास ग्रेटर देन है, तो क्या 3 में 7 का डिवाइड करके कोई एक ऐसा आंसर लेकर आ पाओगे जो कि किसमें बिलोंग करेगा, इंटीजर में? नहीं। जब हम 3 में 7 का डिवाइड करते हो आपका आंसर किसमें आता है, डेसिमल में आता है, जो कि इंटीजर में नहीं होता है। यानी ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी तो आपका आंसर जीरो आएगा जो कि इंटीजर में बिलोंग करेगा। यानी जो ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू में कितना हो गया हमारे पास, ये आर डैश है ना, और हमें यही तो प्रूव करना था, आर और आर डैश के आपस में इक्वल है। अब इस आर की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, क्या लिख देंगे, नाउ नाउ पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास, डायरेक्ट पुट कर दें क्या फर्क, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, अपॉन में बी इक्वल टू में कितना हो गया, क्यू डैश माइनस में क्यू। तो आर डैश में से आर माइनस हुआ तो कितना बचेगा हमारे पास, जीरो अपॉन में बी इक्वल टू में क्यू डैश माइनस में क्यू, ये तो हो गया जीरो, इक्वल टू में क्यू डैश माइनस में क्यू, तो क्यू हमारा इस साइड आ जाएगा, तभी कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू इक्वल टू में क्यू डैश, और ये हमने प्रूव कर दिया। हेंस हेंस बी प्रूव यूनिकनेस यूनिकनेस ऑफ ऑफ क्यू एंड आर, यानी क्यू और आर क्या होंगे, सेम होंगे, एक होगा। ऐसा नहीं होगा कि आर और आर डैश दो नंबर मिल जाएंगे ना, वो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्यू और क्यू डैश दो अलग अलग नंबर होंगे, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, बस क्यू डैश, ठीक है, और बस आपको इतनी चलो यहाँ तक प्रूफ करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट बच्चों बस। ठीक, तो हमारा ये जो थर्ड नंबर का टॉपिक था, थर्ड टॉपिक हमारे पास था थ्योरम फोर्थ, और थ्योरम फोर्थ में हम लोगों ने क्या किया था, तो आपके डिवीजन एल्गोरिथम उसे डिटेल में समझा था, 2 3 4 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जो आपके डिवीजन एल्गोरिथम है ना, डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड आपकी जो इग्नू की बुक है उसमें जो भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए होंगे ना, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर, ये बच्चों लेक्चर नंबर 5th होगा, यहाँ पे ये 4 कर लो, ये मिसप्रिंट हो गया, ये 4 होगा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5th में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा टॉपिक नंबर जो थर्ड दे रखा था डिवीजन एल्गोरिथम, इससे रिलेटेड आपकी इग्नू की बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।